गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग एजम्पशंस कर रहे थे, और अकाउंटिंग एजम्पशन के अंदर हमने दो एजम्पशंस कर ली थी। आज हमें थर्ड एजम्पशन करनी थी, और हमारी थर्ड एजम्पशन है, आप लिखिएगा, अक्रूवल। अक्रूअल एजम्पशन क्या कहती है? अक्रूअल एजम्पशन क्या कहती है? देखो, अक्रूअल एजम्पशन को समझने के लिए हमारे पास में, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 1/4/2018 और से 31 मार्च 2019 तक का एक टाइम पीरियड है, जिसको कि हम फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है ना? ये आप लोगों को मालूम है। अब मैंने कुछ चीजें परचेज की अपने सप्लायर से। अपने सप्लायर से मैंने कुछ चीजें परचेज की। कब मैंने परचेज की? 25th of March 2019, यानी कि ईयर एंड होने वाला था, उससे ठीक पहले मैंने कुछ गुड्स परचेज की। परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है जी। मैंने कुछ चीजें परचेज कर ली, और इसको मैंने परचेज किया ₹50,000, 50,000 रुपए के लिए। और इस सप्लायर का नाम था मोहन। मोहन से, जाहिर सी बात है, मैंने मोहन लिख दिया, तो इसका मतलब क्रेडिट पे मैंने इसको परचेज किया है ना। अब देखो, मैंने ना इसको ये बोला, मैंने कहा भैया अभी तक तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं आपको जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट आपको पे करूंगा 1/5/2019 को। 1/5/2019 को, यानी कि इससे मैंने सामान पिछले साल में खरीदा था, और पेमेंट इसको मैंने अब करी है। पिछला साल मतलब साल में, कौन से ईयर में खरीदा था मैंने इससे सामान? मैंने इससे खरीदा था 18-19 में, और मैंने इसको पेमेंट कब करी है? पेमेंट करी है 19-20 में। ठीक है जी, 19-20 में मैंने पेमेंट की। ठीक है जी, इस टाइम पे मैंने इसको पेमेंट की। अब आप लोगों को ये आइडेंटिफाई हो गया कि सामान कब परचेज किया गया है और पेमेंट कब की गई है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि आप लोग ये बताइए कि मुझे इस पेमेंट, इस ट्रांजैक्शन को कौन से साल में रिकॉर्ड करना चाहिए? क्या मुझे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए ईयर 2018-19 में, या रिकॉर्ड करना चाहिए 1920 में? मैं इसको अगर परचेजेस मानता हूं, तो मैं इसको कौन से साल की परचेजेस मानता हूं? तो सर, जो हमारा जवाब है वो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम के अक्रूवल प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। हमारा अक्रूवल बेस्ड प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? बोलते हैं कि ना, हमें जिस साल हमने सामान परचेज किया है, पहली ट्रांजेक्शन जब हमने रिकॉर्ड की है, तो वो क्या है ट्रांजेक्शन? कि हमने क्रेडिट पे कोई सामान परचेज किया। तो ये किस साल के लिए परचेजेज हैं? ये परचेजेज है 2018-19 की, 2018-19 की। और अगर मैं ये बात बोलूं कि मेरी ऑब्लिगेशन कब की है, कब मुझे इसको पेमेंट करनी चाहिए थी, तो ये ऑब्लिगेशन भी मेरी 18-19 की ही थी। और अगर 1920 में मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूं, तो ये लास्ट ईयर की ऑब्लिगेशन मैंने इस साल पूरी की है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है जी, तो इस चीज को आप लोग लिखिएगा मेरे साथ में, नोट, नोट के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अक्रूवल मींस ए ट्रांजेक्शन अक्रूवल मींस ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड
इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट टेक्स प्लेस। ठीक है जी, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट मेड। सेटलमेंट मेड का मतलब क्या है यहां पे? पेमेंट करना। ठीक है जी, देयरफोर परचेज ऑफ गुड्स विल रिकॉर्ड इन द ईयर 1819 एंड नॉट इन द ईयर 1920। ठीक है जी, ओके, बात समझ में आई। इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अक्रूवल प्रिंसिपल है। ये क्या है? हमारा अक्रूवल प्रिंसिपल। ठीक है, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जो लिखा है स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी मैं आगे चलूं। डन सर। ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास में अकाउंटिंग एजम्पशंस, जो तीन एजम्पशंस हमने की हैं। ओके, अब जो है हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे। तो लिखिएगा ऊपर हेडिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब अकाउंटिंग के सिद्धांत। इन चीजों के ऊपर चल के ही अकाउंटिंग को किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला जो सबसे पहला हमारे पास में है वो है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से देखना सर। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये ओनर है, ये बिजनेस का ओनर है और इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसमें? बिजनेस में। अब बिजनेस क्या है, मान लो ये एक बिल्डिंग है। ठीक है जी, ये हमारा बिजनेस है, शॉप है ये हमारी। हमारे पास में दो ऑप्शन थे ना, ओनर के पास में दो ऑप्शन थे, वो चाहता तो इसकी एफडी भी करवा सकता था। तो इन्वेस्टमेंट जो इसने की, इसको हम क्या कहते हैं सर? कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इन्वेस्ट करी इसने, और कैपिटल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। तो अब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कैपिटल इज लाइबिलिटी From business point of view, business के हिसाब से जो capital है वो एक liability है। क्यों? इस वजह से क्योंकि business ये सोचता है कि although मैं लंबे समय तक चलूंगा, मैं कभी बंद नहीं होने वाला, और owner भी same mentality रखता है, बावजूद इसके अगर कभी बिजनेस बंद हुआ तो बिजनेस की क्या ऑब्लिगेशन है कि वो अपने ओनर को इतना पैसा तो रिटर्न कर दे जितना कि उसने उसमें इन्वेस्ट किया था पहले समय में। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल जो है वो क्या है?
वो सॉरी हाँ, जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, इसको लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन्स। सर बिजनेस पर्सन कैसे हो सकता है? हाँ जी, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट थी, फर्स्ट था हमारे पास में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक। ओके नेक्स्ट। बच्चों अगर किसी पॉइंट में किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो पूछ सकता है, ठीक है। आप लाइव हैं मेरे साथ में तो आप पूछ सकते हैं बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास में मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ट्रांजेक्शंस लिखिएगा, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस। ये कहता है जी हमारा प्रिंसिपल के सिर्फ और सिर्फ मनी में मेजर करने वाली जो इवेंट्स या फिर ट्रांजेक्शंस हैं उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस की रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे एक मिनट के लिए मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जांपल लंच विद पेरेंट्स, लंच विद पेरेंट्स, इसको आप बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन आप परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ये एप्लीकेबल है, ये ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल है कि बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड की जा सकती है। ओके अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ये क्या कहता है? देखो ध्यान से समझना, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है। हमने अपने बिजनेस को ये मान के रखा हुआ है कि ये लंबे समय तक चलेगा और कभी बंद नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हमने मान के रखा हुआ है। लेकिन हमने बिजनेस को खोला क्यों है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और हमें प्रॉफिट अर्न हुए या नहीं हुए ये कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा हमारे को कि हमारे प्रॉफिट अर्न हुए या नहीं हुए, या हमने कुछ लॉसेस उठाए? भाई सोचो, अगर हम सुबह से शाम तक काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, ठीक है, कभी उसका हिसाब ही ना करें कि हमने कितना काम किया, तो हमें नफा नुकसान कैसे पता लग सकता है? नहीं पता लग सकता। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट या लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो बिजनेस की बहुत बड़ी लाइफ है, जिसको कि हम कहते हैं कि चलता ही जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा, उस बिजनेस की लाइफ को थोड़े टाइम के अंदर बांटना पड़ेगा।
ऐसी हमारी क्या नाम है जो है, ऐसी हमारी क्या नाम है, इच्छा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है तो हमारे को यह करना पड़ेगा कि हमने कुछ टाइम पीरियड के अंदर इस टाइम इस लाइफ को बांट दिया, बिजनेस की लाइफ को हमने बांट दिया। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि हमें काम करते हैं, हमें काम करते हैं कि हम 12 महीनों का एक टाइम पीरियड ले लेते हैं। अब वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। रियल लाइफ के अंदर ये फाइनेंशियल ईयर ही होता है, कैलेंडर ईयर नहीं होता, लेकिन आपकी बुक्स में कैलेंडर ईयर भी होता है कभी कभी, इसलिए मैंने कैलेंडर ईयर भी कह दिया। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको 12 महीने के एक टाइम पीरियड के अंदर बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को एक दिन के लिए क्लोज करके अगले दिन से वापस चालू कर देना चाहिए, ये जानने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमने इनकम अर्न की या लॉसेस अर्न किए, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमारे एसेट्स कितने थे और हमारी लाइबिलिटीज कितनी थी। ठीक है जी, तो हमने टुकड़ों में बांट दिया इसकी लाइफ को। तो लिखिएगा मेरे साथ में, एज पर गोइंग कंसर्न, एजम्पशन, मतलब ये हम कर चुके हैं ना लास्ट क्लास में, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ये क्या कहती थी, ये कहती थी कि भाई लंबे समय तक चलता ही रहेगा, बिजनेस विल कॉन्टिन्यू फॉर एवर, देयरफोर टू डिफाइन लाइफ ऑफ बिजनेस वी सेपरेटेड लाइफ ऑफ बिजनेस इंटू पीरियड्स एंड द पीरियड इज जनरली having 12 months, 12 महीनों का, that is 1 year। ठीक है जी, एक साल का टाइम पीरियड। This year is known as अकाउंटिंग पीरियड। इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं जी, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है, इस चीज को भी लिखो, आफ्टर द एंड ऑफ 1 year बिजनेस विल चेक, बिजनेसमैन चेक्स। क्या चेक करता है, वेदर ही अर्न प्रॉफिट और लॉसेस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है जी, और इसके लिए एक बात और लिख लो, फॉर दिस पर्पस
ही मेंटेन्ड, दो चीजें बनाता है जी, नंबर वन इनकम स्टेटमेंट, एक तो वो बनाता है इनकम स्टेटमेंट, और नंबर टू वो क्या बनाता है, वो बनाता है पोजीशन स्टेटमेंट। आपसे वन मार्कर में पूछा जा सकता है ये कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। सर इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और पोजीशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं हम? सर बैलेंस शीट को कहते हैं। ओके, अब ये देखो जो हमने लिखा, पहले तो ये हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कहां से हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था? यहीं से नहीं लिया था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ सोनम बेटा, बताओ मेरे को। यस सर। ठीक है, इसका इसको रिकॉर्ड करो पहले अपने पास में, अपना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर। ठीक है, ये सेकंड, और डन सर। ये थर्ड, ठीक है जी। यस सर। हाँ, कोई और कुछ और भी बोल रहा है? आज एक बच्चा एब्सेंट है, कौन एब्सेंट है आज? कौन एब्सेंट है? साहिल। साहिल अभी तो था हमारे साथ में, उसका कनेक्शन टूट गया है क्या? यस सर, पता नहीं सर कहाँ गया। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास में फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है देखो जी, कहता है जितनी भी टाइप की सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जिससे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है जी सर। हाँ जी सर, साहिल को ऐड कर लो। साहिल को ऐड कर सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ पा रहा। अच्छा अच्छा, ऐड कर लिया बेटा। ठीक है जी, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे हम ऑल द सिग्निफिकेंट अरे ये क्या हो गया ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी fully disclosed in the financial statement.
ये एक प्रिंसिपल है. फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देता हूं एक, ध्यान से समझना. मान लो मैंने किसी पर्सन के कुछ पैसे देने हैं, या फिर किसी पर्सन ने मेरे ऊपर कोई झूठी ऑब्लिगेशन बना रखी है और हम दोनों का केस कोर्ट में चल रहा है. वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जी इन्होंने हमारे पैसे देने हैं, बिजनेस ने, यानी कि उन्होंने मेरे पे एक मुकदमा किया हुआ है कि मैंने उनके पैसे देने हैं, और मैं कहता हूं नहीं देने. तो मामला डाइसी है, किसी के भी पक्ष में जा सकता है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बैलेंस शीट के फुट नोट में कंटिंजेंट लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दिखाना होगा. कंटिंजेंट लाइबिलिटी का क्या मतलब है, विच मे बी अराइज, यानी कि ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है कोर्ट के डिसीजन पे. तो अगर कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है तो बिजनेस को ये इंफॉर्मेशन नॉर्मल सोसाइटी के साथ में, अपने सोसाइटी के साथ में जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड करनी चाहिए और डिस्क्लोज करनी चाहिए, ऐसा हमारा ये प्रिंसिपल कहता है. ठीक, ओके. तो ये लिखिएगा, फॉर एग्जांपल कंटिंजेंट लाइबिलिटी should be shown in the footnote of balance sheet. ठीक है जी. अच्छा, next materiality. materiality principle. अब ये क्या कहता है, देखो कहता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मेटरलाइज है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब इसका क्या मतलब हुआ, मेटरलाइज का मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए. हमारा पहला वाला प्रिंसिपल क्या कहता था कि भाई जो भी डिस्क्लोजर है वो होने चाहिए. अब इसी से मिलता जुलता है, कहते भाई डिस्क्लोजर तो होने चाहिए लेकिन छोटे से छोटा मैटर भी अगर मेटेरियलिटी के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसको शो करना चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में. ये हमारा मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है. ठीक है, तो इसको लिखिएगा, आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट इफेक्ट should be disclosed ठीक है जी. जैसे एक मान लो एक रिच मैन है, एक बिजनेस है, एक बहुत बड़ा एम्पायर है, उसका 50 रुपया हिसाब ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन सोच करके देखो, अगर उसी बिजनेस का 10 करोड़ रुपए का हिसाब ना मिले, मतलब मान लो किसी बिजनेस की टर्नओवर है 50 करोड़, यानी कि सेल्स कितनी है उसकी 50 करोड़, 50 करोड़ की टर्नओवर रखने वाले इस बिजनेस का अगर 50 रुपए का हिसाब ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर 10 करोड़ रुपए का घपला हो जाए, 10 करोड़ का हिसाब ना मिले, तो ये इफेक्ट जो है ये मेटरलाइज है, यानी कि इससे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. तो ऐसा क्यों हुआ है या ऐसा हुआ है,
इस चीज का इफेक्ट दिखाना जरूरी है, वरना वही नीरव मोदी वाला केस बन जाएगा। ठीक। अच्छा अब इन दोनों को रिकॉर्ड कर लो, इनकी इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फोर्थ और फिफ्थ, जल्दी से। डन सर। ठीक है बेटा, देखो जी नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रूडेंस। या फिर कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल, ये क्या कहता है? ये कहता है आप फ्यूचर के प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करो या ना करो, लेकिन जितने भी पॉसिबल लॉसेस होने हैं ना, उसको जो है आप रिकॉर्ड जरूर करो या फिर उसके लिए तैयार जरूर रहो। जैसे मैं ये कहता हूं अपने बच्चों को, आप चाहे अपने कजन्स की शादी में जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर आपका कोई मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट होना है तो आप उसके लिए तैयार रहो, तभी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इसका मतलब क्या है? आप बड़े से बड़ी इंजॉयमेंट को करो या ना करो, लेकिन छोटे से छोटे टेस्ट को जो है कंसीडर करो एक अच्छे क्या नाम है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो हमारे पास में प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, देखना आप लोगों ने इसको पहले भी सुना होगा। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फ्यूचर के प्रॉफिट्स के बारे में आप सोचो या ना सोचो, लेकिन लॉसेस के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ऐसा ही लिखो इसको, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, या फिर रिकॉर्डिंग अनसोल्ड स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। देखो ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को। आप हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो, कभी आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया है फ्रॉम सप्लायर टू डेटर्स? नहीं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स तो हमने बनाया है, लेकिन कभी तुमने ऐसा सुना है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर, कि हमें उम्मीद है कि सप्लायर से हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, उम्मीद के बेस पे कभी कोई प्रोविजन बनाए या फिर ऐसी उम्मीद रखी है कि हमने किसी को 50,000 रुपए देने हैं और उम्मीद है कि हमें 10,000 ही देने पड़ेंगे,
या कुछ पैसे कम देने पड़ेंगे, ऐसी उम्मीद हम अपने बिजनेस के अंदर नहीं पालते। हम यही मान के चलते हैं, हाँ सप्लायर हमें आगे जाकर के डिस्काउंट दे दे वो बात अलग है, लेकिन हम ऐसी उम्मीद नहीं पाल के रखते कि हमें सप्लायर कुछ डिस्काउंट देगा ही देगा। तो हम सप्लायर के अमाउंट को पूरा का पूरा लिखते हैं, लेकिन जिससे पैसे लेने हैं वो पैसे डूबो भी सकता है, इसलिए हम क्या बनाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि डेटर से हमें धोखा मिल सकता है, इसके लिए हमें तैयारी करके रखनी पड़ेगी। वो इसी प्रिंसिपल के अंदर ही आता है। अच्छा, नंबर टू मैंने क्या लिखा, आपके पास में अगर कोई अनसोल्ड स्टॉक होता है तो आप उस अनसोल्ड स्टॉक को प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं लिखते। मतलब हमें मालूम है कि हमारा ये सामान 4 लाख रुपए का है और ये 10 लाख में बिक जाएगा, लेकिन बिकेगा फ्यूचर में और फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं मालूम। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भाई जो भी अमाउंट लेस होता है कॉस्ट या मार्केट प्राइस से, उस पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉस्ट एंड लिखिएगा कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। पहले लिखते हैं इसको फिर समझते हैं। The assets are recorded in the books at cost price, books of business. एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट वैल्यू For example, land purchase for ₹50 lakhs having market value 70 lakhs, डेप्रिशिएटेड नहीं होता ना लैंड, एप्रिशिएटेड होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है जी, शुड बी रिकॉर्डेड एज 70 lakhs। हां जी, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारे पास में हम जो हैं अपनी एसेट्स को हमेशा रिकॉर्ड करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, और उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज आता है तो उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं, और मार्केट वैल्यू पे हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमने इसको 50,000 में खरीदा था और इंक्रीमेंट हो गई है तो ये 70,000 पे आ गई है, या फिर 40,000 रुपए पे खरीदा था, 40 लाख रुपए में खरीदा था किसी बिल्डिंग को और वो डेप्रिशिएट होकर के, मतलब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ना उसमें से, तो डेप्रिशिएट होकर के ये अब 15 लाख की रह गई है। तो इस तरीके से हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि जिस वैल्यू पे इसको परचेज किया गया था उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं ये हमें दिखाना पड़ेगा, चाहे वो डेप्रिशिएट हुआ हो या एप्रिशिएट हुआ हो। ठीक,
अच्छा जी, अच्छा ये दोनों को जरा रिकॉर्ड कर लो अपने पास में स्क्रीनशॉट के थ्रू, सिक्स्थ और सेवन्थ। डन सर। ठीक। एट्थ, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से देखना और लिखना इसको। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, पहले लिख लो, शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब हमने कुछ गुड्स सेल की तो हमने उसे रिकॉर्ड किया, साथ ही हमने उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड किए, तो हम उसे भी रिकॉर्ड करते हैं जो कि सेल्स होती है, और उसे भी रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे पास में एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि ध्यान से समझना इसको, अच्छा पहले ये लिखा क्या है इसका मतलब समझ लेते हैं। कहते हैं हमने अगर कुछ कॉस्ट इनकर्ड की है ड्यूरिंग द पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड की है ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है जी, और उससे रिलेटेड जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं या रेवेन्यू जनरेट किए हैं वो आपस में मैच होने चाहिए। आओ समझते हैं इसको, समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। मान लो ये मेरा बिजनेस है, ठीक है जी, ये मेरी बिल्डिंग है बिजनेस की, इसको बैलेंस शीट मत मानना, बिजनेस है, और मैंने एक पर्सन को कमीशन पे की, कमीशन पे की, ये पर्सन कौन था, मेरी कंपनी का सेल्समैन था, ठीक है जी, कमीशन पे की मैंने, और सेल्समैन ने आगे क्या कर दिया जी, सेल्स कर दिया, कस्टमर को सेल कर दिया, ये एक दूसरा पर्सन जो कि कस्टमर है, ठीक है, और कस्टमर से सेल्समैन ने कैश कलेक्ट किया और फिर ये कैश उसने बिजनेस को दे दिया, ऐसे ही आती है ना चीजें, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने ना एक पेज लिया, अकाउंट नहीं कह रहा मैं इसको, पेज कह रहा हूं, और इसके इधर की तरफ एक साइड पे एक्सपेंस और दूसरी तरफ इनकम लिखी इससे रिलेटेड, ठीक है जी, इसको आप इनकम भी मत कहो, इसको आप रेवेन्यू कहो, या फिर आप इसको चलो हम इसको इनकम ही कह देते हैं क्योंकि आज तक आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही देखा है, ठीक है। वैसे इनकम का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस एडजस्ट करने के बाद जो आता है दैट इज प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम हमेशा से कॉमर्स के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाते आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी यही होता है कि डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स होती हैं, तो मैंने इसको इनकम ही रहने दिया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से कोई फायदा नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि मुझे रिसिप्ट कितने की हुई, अगर आप इसको इनकम को रिसिप्ट माने तो आप कहेंगे कि भाई हमें जो रिसिप्ट हुई वो कितने की हुई, सर 50,000 रुपए की हुई,
और मैंने इस रिसिप्ट को कलेक्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर कितने किए। अच्छा, मैंने यहां पे अमाउंट तो लिखा ही नहीं। मान लो ये कैश कलेक्ट किया, उसने 50,000 मुझे दे दिया और कमीशन जो मैंने पे की थी वो की थी 10,000 रुपीज। ठीक है जी, तो मैंने यहां पे एक्सपेंस लिख दिए 10,000। किसको मैंने एक्सपेंसेस बियर किए थे? इसके लिए मैंने एक्सपेंसेस बियर किए थे भाई, मैंने अपने कमीशन एजेंट को, अपने सेल्समैन को कुछ कमीशन दी थी। तो अब मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाता है? तो सर मेरा जो प्रॉफिट होता है वो होता है 50,000 माइनस 10,000, यानी कि 40,000। अब कोई अगर आपसे ये कहता है कि आप कैसे कह सकते हो कि आपने 40,000 रुपए के प्रॉफिट अर्न किए हैं, तो आप बता सकते हो ना कि सर 40,000 रुपए कैसे आ गए? 40,000 ऐसे आ गए कि 50,000 रुपए का सामान बेचा और 10,000 रुपए उसके ऊपर खर्चे, तो बचे कितने? 40,000। ठीक है जी, तो आप अगर किसी को ये कहते हो कि मैंने प्रॉफिट अर्न किए हैं 40,000 रुपए के, और दूसरी तरफ आपकी एक ट्रांजेक्शन है जो दिखा रही है कि 50,000 में से माइनस किया आपने 10,000, तो ये दोनों क्या है? इक्वल बात कह रहे हैं। तो यही हमारा क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? कि आपके जो रिकॉर्ड्स है ना, ऐसे होने चाहिए जिसके के अंदर हम ये ज्ञान कर सकें, ज्ञात कर सकें, यानी कि चेक कर सकें कि एग्जैक्टली, मतलब आपने कह दिया कि आपके प्रॉफिट्स इतने अर्न हुए और आप उस चीज को, उस ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो ये बात गलत है। आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, आपको ऐसी ट्रांजेक्शंस दिखानी पड़ेंगी जिसके की अंदर आप ये प्रूव कर सको कि ये 40,000 आपने कैसे कमाए हैं। ठीक है जी, ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो आप डिस्क्लोज करो और उनको मैच होने चाहिए, वो मैच्ड होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हमने एक सेकेंड, ये बेटा हमारे पास में सेवंथ शायद हमने नहीं किया था। पहले सेवंथ को रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास में स्क्रीनशॉट ले लो। चलूं आगे, अब ये एट्थ, मैचिंग प्रिंसिपल। ओके, डन? यस सर। ठीक है बेटा, नाइन्थ है हमारे पास में, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब ये ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है? बहुत ही आसान है। कहता है कि ना हमारे को ये ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि सर एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, यानी कि एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है जी, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का अकाउंटिंग के अंदर वही रेलेवेंस होता है जो मैथ्स के अंदर प्लस और माइनस का होता है। कभी कभी ऐसा भी कह दिया जाता है, कि प्लस का मतलब डेबिट और माइनस का मतलब क्रेडिट। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, बच्चों देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को कि डेबिट और क्रेडिट होते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक आइटम को, एक चीज को, जिन दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ा होता है डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से, जो कि हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे,
उनके ऊपर एक को डेबिट में किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमने कुछ चीजें परचेज की या फिर हमने कोई एसेट परचेज किया, मैं कहता हूं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर कैश, तो हमारा एक इफेक्ट पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी पे और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कैश पे। अब मैं आपके सामने ये नहीं लेकर के चल रहा हूं कि भाई हमारे पास में क्या चीज डेबिट होगी और क्या क्रेडिट होगी, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को पढ़े बिना ये चीज नहीं पता लगाई जा सकती कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे हम। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि हमारे पास में ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि भाई हमारा जो रिकॉर्ड कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर दो जगह पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, देखो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल जो है ना वो सेम है एक्रूअल अजम्पशन के। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, सेम एज एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अच्छा इस चीज को लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपके माइंड में रहे, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड in which it is earned irrespective of the fact whether it is received or not। ठीक है जी, यानी कि हमने इसको जब भी अर्न किया था उस साल में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे हमने इसको रिसीव किसी भी साल में किया गया हो, ऐसा रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है। अब ये रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होगा, रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होगा, इस चीज को समझना। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है जी रिकॉर्ड करना। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड करना। यानी कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड उसी साल किया जाएगा जिस साल हमारे पास में इसको हमने अर्न किया है। जैसे कि हम कहते हैं ना इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट को अर्न बेसिस पे हम रिसीव करने के बेस पे नहीं, अर्न करने के बेसिस पे। हमने 10,000 का इंटरेस्ट जो है वो इस साल अर्न किया है, रिसीव किसी भी साल करें हम, या फिर कमीशन हमने अर्न की है इस साल, तो हम कभी भी इसको क्या नाम है रिसीव करें, लेकिन जिस साल हमने अर्न किया हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है जी, अच्छा देखो इसको पहले लिखते हैं,
देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन. ठीक है जी, ध्यान से समझना. आप कहते हो कि मैंने मोहन को कोई सामान बेचा है. आपने कहा मोहन को मैंने कोई सामान बेचा है. ठीक है, मोहन ने सामने से पैसे देने से मना कर दिया. मोहन कहता है जी मेरे को तो कोई सामान नहीं बेचा गया. क्या एविडेंस है आपके पास में इस चीज का? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जब आपने सामान बेचा तो उसके पास में एक उसके साथ में सामान के साथ में एक बिल भी इशू करना पड़ेगा. और अगर हो सके तो मोहन के उसके ऊपर डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर सिग्नेचर भी ले लेना कि हाँ तुम मुझसे क्रेडिट पे जो है सामान लेकर के जा रहे हो. तो हमारा वेरिफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारा हर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई एविडेंस होना चाहिए. अब सरकार क्या कहती है कि सारे के सारे अपने जो खर्चे हैं आप अपने बैंक अकाउंट से करो. ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना. मान लो मैंने किसी को पैसा उधार दिया, मैंने किसी को सोनम को पैसा उधार दिया, सोनम को दिया मैंने, मैंने इसको 50,000 रुपए दिए. ठीक है, 50,000 रुपए मैंने इसको दे दिए और लेने के बाद में थोड़े दिनों बाद मैंने इससे मांगे तो कहती है मेरे को कौन से 50,000 रुपए दे दिए, मेरे को तो कोई 50,000 नहीं दिए. अब मैंने कहा नहीं भाई, मैंने आपको 50,000 रुपए दिए थे. कह रहे कब दिए, कोई एविडेंस है? मैंने कहा हाँ यार मुझे एविडेंस बनवा लेना चाहिए था. अगर मैंने कैश में इनको पे किया है, कैश में मैंने इनको लोन दिया था, तो मुझे क्या करना चाहिए था, इनके सिग्नेचर ले लेनी चाहिए थे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के ऊपर. और अगर नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, अपने बैंक से ट्रांजेक्शन करो. यानी कि इनको कैश ना दे करके चेक दे दूं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूं तो मेरे पास में एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ जी देख लीजिए मैंने इनको पैसे दिए हैं. तो हमारे पास में ये क्या लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, जिससे कि आपकी जांच पड़ताल यानी कि वेरिफिकेशन की जा सके अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है. तो इसके आगे लिख लेना, दैट इज invoices, bills, etc. These evidences, these evidence are also known as source documents. सोर्स मतलब इसका कहां से सोर्स है. सोर्स का मतलब है कि भाई स्त्रोत्र क्या है, कि कहां से ये उदित हुए हैं, कहां से अराइज हुए हैं. ठीक है जी. अच्छा तो बच्चों ये थे हमारे पास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. और मेरे ख्याल में आप लोगों ने रेवेन्यू रिकॉग्निशन से इसको रिकॉर्ड करना है या फिर ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल से करना है. ये हमारे पास में ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लीजिए स्क्रीनशॉट. डन सर. ठीक है बच्चों, फिर आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी.